हेलो एवरीबॉडी, आई होप बहुत अच्छे ही होंगे। तो देख सकते हो जितने भी ये वाहन आ रहे हैं ये सारे सराय काले खां की साइड से आ रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक रैंप बनाया गया है जो आश्रम एक्सटेंशन फ्लाईओवर पर ऊपर चढ़ जाएगा दोस्तों, जो निकलेगा जाके ये लाजपत नगर जाके। तो तस्वीर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अभी नीचे का नई रैंप बनाया गया है, ऊपर का तो ये बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो आपको बता दो, ये खुशखबरी है दोस्तों आप सभी लोगों को, कि ये कितनी तारीख में ये खोल दिया जाएगा वो आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखो और फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितनी तारीख में खोला जाएगा। आम जनता के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है इस वीडियो में, तो आप लोग देखो एंड तक दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। गाइस, D&D फ्लाईओवर देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, बहुत तेज़ी के साथ में इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है। और देख सकते हो ये सारे वाहन आ रहे हैं आपके सराय काले खान की तरफ से। तो ये रैंप थोड़ा सा ही ये रह गया, ऊपर का ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें ब्लैक टॉप की एक लेयर डाल दी जा चुकी है दोस्तों। और देख सकते हो यहाँ पर ये इसकी पैराफिट वॉल जो साइड वॉल हैं दोस्तों, उस पर वाइट पुट्टी करी जा रही है, और वाइट पुट्टी करने के बाद में फिर इस पर पेंट कर दिया जाएगा दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं कि ये मार्च की 2 तारीख से आम जनता के लिए ये खोल दिया जाएगा। तो काफ़ी जाम का सामना करना पड़ता था, जो दिल्ली मुझे क्या नाम है गाज़ियाबाद नोएडा से जो पब्लिक आती थी इधर, आपको सरिता विहार फरीदाबाद और ये आपको लाजपत नगर जाने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना करता था पड़ता था दोस्तों, जाम में फंसे रहते थे आए दिन। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर देख सकते हो ये ब्लैक टॉप की एक लेयर डाल दी जा चुकी है, दूसरी लेयर डालने का काम चल रहा है। उधर देखो वो रखे हैं रोड रोलर, उस साइड में डाला जा रहा है, जो डीएनडी से जो इसका गाड़ियाँ आएंगी, जो ट्रैफिक आएगा डीएनडी के साइड से, उस रैंप को उस पर दोबारा से वो ब्लैक टॉप कर दिया जा चुका है फाइनल लेयर का दोस्तों। तो देख सकते हो वो फ्लाईओवर है डीएनडी के ऊपर, जो कि सराय काले खान के तरफ से गाड़ियां आ रही हैं इस फ्लाईओवर के ऊपर दोस्तों, और नीचे से डीएनडी के साइड से आ रहे हैं। तो आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन बन के कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों, दिन रात यहाँ पर काम चल रहा है। तो आप लोग तस्वीरें देख सकते हो क्या काम चल रहा है यहाँ पर, बस 5-6 दिन के बाद में आप लोगों के बीच में ये खोल दिया जाएगा दोस्तों। और जो यहाँ पर कंपनी वर्क कर रही है वो है PWD, जो कि दिल्ली सरकार बनवा रही है इसको, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम रहता है, बहुत ज़्यादा आपको क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाम का सामना करना पड़ता था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली सरकार ने इसको बनवाने का सोचा, पहले तो इसका अंडरपास बनवाया था दोस्तों, और फिर उसके बाद में ये आश्रम एक्सटेंशन फ्लाईओवर बनाया गया दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, जोरों शोरों से काम चल रहा है यहाँ पर, और देख सकते हो ये दोनों साइडों के जो साइड बॉल हैं उन पर देख सकते हो ये इस पर काम किया जा रहा है दोस्तों। ये देख सकते हो वाइट पुट्टी इस पर लगाई जा रही है, और वाइट पुट्टी कर देने के बाद में दोस्तों इस पर पेंट कर दिया जाएगा और प्रिंटिंग बढ़िया बढ़िया सी बना दी जाएंगी दोस्तों। तो बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, आप लोगों को बता दूं दोस्तों। देख सकते हो जो बीच का पैराफिट वॉल था ये थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, इस पर भी सेटिंग लगा रहे हैं और इसको कवर कर दिया जाएगा। देखो लोड रोलर और वो ये खड़े हुए हैं, तो इस पर तो ब्लैक टॉप कर दिया है, उधर की लेयर पर बचा है। और आपको बता दूँ ये जो राइट वाला पोर्शन है उसमें भी ब्लैक टॉप करके बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है उस साइड का, बस ये वाली साइड बची हुई है जिसमें हम अभी चल रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग बताना कि ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। KP संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो देख सकते हो यहाँ पर ये टीम लगी हुई है, देखो वाइट पुट्टी लगाने का काम कर रही है, जहाँ पर ये जगह खाली है इसमें पैराफिट वॉल में वहाँ पर ये देखो वाइट पुट्टी भरी जा रही है दोस्तों। और वाइट पुट्टी किस तरीके से यहाँ पर ये टीम भर रही है PWD की, वो आप लोग देख सकते हो, नज़ारे कुछ ये हैं दोस्तों। और आप लोगों को आगे तक लेके चलेंगे और आगे तक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि इस आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन पर क्या क्या
कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा अभी इस टाइम पे कि ये 5-6 दिन में बिल्कुल कंप्लीट कर लिया जाएगा दोस्तों, सब कुछ सारा काम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। बस इसका ये प्रिंटिंग बनाने का काम है, बस वो रह जाएगा, बाकी तो इस पर पेंट कर लिया जाएगा दोस्तों। देख सकते हो ये हर जगह टीम लगी हुई है, उस साइड में भी लगी हुई है, इस साइड में भी, ये देख सकते हो किस तरीके से मिस्त्री यहाँ काम कर रही है, जो टीम है यहाँ के PWD की दोस्तों। और जो जहाँ जहाँ जगह बची थी खाली वहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कंक्रीट भर दिया है ये पैराफिट वॉल पर दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे एंड में, तो तब तक इंजॉय करो आप सभी। तो दोस्तों देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तेजी के साथ में, और दोनों साइड में ही आपको बता दूँ बना के कंप्लीट कर लिया जा चुका है दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीर, उधर का तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बस इधर का ही हिस्सा बचा हुआ है दोस्तों, तो वो भी अभी जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और ये 2 मार्च को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा दोस्तों, ये देख सकते हो। अब हम आपको रैंप दिखाएंगे नीचे उतरते हुए कि रैंप पे किस तरीके से काम कर लिया जा चुका है दोस्तों। देखो ये रैंप से हम उतर रहे हैं अब, तो आप लोग बताना, क्योंकि दोस्तों मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, गला बैठा हुआ है तो मेरे पे बोला नहीं जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को देख सकते हो कि अपडेट देता रहता हूँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो KP संत को। देखो अब यहाँ पर ये बैलेक टॉप दोनों जगह कर दिए हैं, फाइनल लेयर का दोस्तों, फाइनल लेयर का ब्लैक टॉप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और देख सकते हो इधर इन्होंने वाइट पुट्टी जो पैराफिट वॉल पे लगानी थी वो भी लगा दी है, और देख सकते हो ये बीच का भी काम हो गया सारा, सब कुछ बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों सारा कुछ।
तो आप लोग देखो, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए दोस्तों। तो उस साइड का तो कर लिया जा चुका है, इस साइड का बचा जिस पर हम अभी चल रहे हैं इस टाइम पे। तो इस पर भी एक लेयर तो डाल दी है, दूसरी लेयर का डालने का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। तो ये यहाँ पर जाकर ये DND यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, इस जगह से ये DND स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।